Subscribe now for all the latest and trending updates. टीवी एक्टर मोहसिन खान इन दोनों अपने एक बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था, यानी कि एक दिल का दौरा उन्हें पड़ा था, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन एक बड़ी वजह और उन्होंने बताई है खतरों की खिलाड़ी ना करने की, और ये वजह बिल्कुल अलग है। दरअसल एक भयानक सपना देख गए मोहसिन खान और रिजेक्ट कर दिया रोहित शेट्टी का शो। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मोहसिन खान टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता से उन्हें घर घर पहचान मिली थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर ढेर सारी बातें शेयर की। एक्टर से पूछा गया क्या आने वाले समय में वो खतरों के खिलाड़ी में दिखाई देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं खतरों के खिलाड़ी 14 की मीटिंग के लिए गया था। मैं सोच रहा था कि कर सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन उसी रात मुझे सपना आया कि मैं लिफ्ट में अटक गया हूँ और वो लिफ्ट बंद हो गई है। इसके बाद वो नीचे गिर गई। एक्टर ने कहा कि इस भयानक सपने के साथ जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने शो को ना कह दिया। हालांकि उन्हें शो छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। इस इंटरव्यू में मोहसिन ने यह बताया कि उन्हें पिछले साल माइल्ड हार्ट अटैक आया था। उन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की शिकायत हो गई थी, इसकी वजह से उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था। एक्टर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उन्हें अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़े थे, पर अब उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। अब वो बताते हुए नज़र आए एक इंटरव्यू के दौरान। ऐसे तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।